हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पार्ट टू बना रहे हैं वीडियो जिसमें टेंथ के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने केमिकल इक्वेशन के दो टाइप्स देख लिए हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ हम उसी में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आप लोग नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जगह बदलते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब भी यही होता है कि जब हम किसी एक मेटल को दूसरे मेटल की जगह पर ले जाएं और उस मेटल को उस जगह से हटा दें। तो ये रिएक्शन जो होती है, इन दिस रिएक्शन द मोर रिएक्टिव मेटल, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है जैसे कि आयरन, पोटेशियम, ये सारे मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इनको हम डेली यूज में नहीं ले सकते। आपने देखा कभी कि हमने लोहे की ज्वेलरी बनाई हो और वो पहन रहे हैं हम, क्योंकि लोहा तो इजीली अवेलेबल है, आयरन तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन नहीं, उसको जंग लग जाता है और वो जल्दी से रिएक्ट कर देता है। उसकी जगह पर हम यूज करते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, इन सबकी ज्वेलरी हम यूज करते हैं क्योंकि इनको इजीली जो है ये रिएक्ट नहीं करते, खराब नहीं होते, वाटर के साथ में, एयर के साथ में आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो ये जो रिएक्शन होती है इसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसके एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए रखे हैं, जो एग्जाम्पल्स मैंने वही ले लिए हैं। एफी जो होता है, एफी मतलब आयरन, आयरन सॉलिड होता है, कॉपर सल्फेट जो है, सल्फेट एक सॉल्यूशन बनाएगा तो वो एक्वस फॉर्म में होता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो ये देखिए प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, FeSO4, फेरस सल्फेट कह दें या फिर आयरन सल्फेट कह दें, आयरन सल्फेट मिल गया और कॉपर जो है उसकी जगह से हट गया, तो वो अलग से हमें कॉपर मिल गया। अब कॉपर अलग से मिलेगा, अकेला मिलेगा तो वो कैसा मिलेगा, कॉपर जो होता है वो भी एक धातु है, मेटल है, तो वो सॉलिड में हमें मिलता है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से मेटल्स मोर रिएक्टिव है और कौन से मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव है। तो यहाँ पे मैंने एक सीरीज बना रखी है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी मतलब लीड, पीबी मतलब प्लम्बम, लीड जो इसका नाम होता है इस एलिमेंट का। हाइड्रोजन को मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है, अलग से लिख रखा है। हाइड्रोजन जो होता है वो उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, जो उसकी रिएक्टिविटी होती है वो ना के बराबर होती है, तो ना के बराबर एक्टिविटी हुई तो ये हमें पूरा का पूरा सीरीज याद रखना बड़ा ही आसान हो जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं जो एलिमेंट्स वो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। अगर आप हाइड्रोजन के ऊपर जाते जाएंगे यानी ऊपर की दिशा में, ये जो मेटल्स है वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब लिथियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के नीचे देख लीजिए कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, प्लेटिनम भी आएगा, तो ये जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ पे, यानी जितना हम नीचे जाते जाएंगे वो उतने ही ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हम गोल्ड की, प्लेटिनम की, सिल्वर की ज्वेलरी पहन के रखते हैं, अब हमारा दिन पर दिन इनसे एसिड से भी कॉन्टेक्ट होता है, इनका बेस से भी होता है, हम नहाते हैं साबुन से एसिड, यानी हम टमाटर काटते हैं तो टमाटर में भी ऑक्सैलिक एसिड होता है, नींबू के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो ये जो सिट्रिक एसिड होता है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो ये जो एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, इवन वाटर, तो ये सब डेली हमारी ऑर्नामेंट से रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी वो इजीली जल्दी से उनकी पॉलिश नहीं उतरती है, वो खराब नहीं होते, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए हम ऑर्नामेंट्स इन पर्टिकुलर मेटल्स के ही पहनते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस। देखिए इस एग्जांपल में आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया अपनी जगह से और उसकी जगह ले ली। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ रिएक्शन पे, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। वही बात होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलना, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो जगह से जगह बदलना।
This is the reaction where new compounds are formed by mutual exchange. Mutual मतलब अगर कोई इस तरफ से एक आयन को भेज रहा है तो दूसरा उस तरफ से दूसरे आयन को भेज रहा है. Exchange of ions between two compounds. कोई भी दो compounds के बीच में, जैसे कि ये students आपको पता है कि single element जो होता है वो pure होता है, जैसे कि Fe है या Na है, तो ये single elements होते हैं. टू या मोर देन टू एलिमेंट्स जब कंबाइन करते तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं. तो कंपाउंड होना जरूरी है. तो देख लीजिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, यहाँ से बेरियम जो है वो यहाँ पे जा रहा है और सोडियम जो है वो यहाँ पे आ रहा है. मतलब सोडियम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, बेरियम अपनी जगह से सल्फेट के पास चला जाएगा और सोडियम अपनी जगह से क्लोरीन के पास चला जाएगा. तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड ये बन रहा है. देखिए ना, इसमें बेरियम जो है प्लस टू, सल्फेट SO4 जो होता है वो माइनस टू आयन्स करता है. स्टूडेंट्स, आयन्स और इनकी फॉर्मूलाज लिखना आप अपने अर्लियर स्टैंडर्ड्स 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं. बेरियम जो होता है प्लस टू, तो आयन्स का सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. सल्फेट जो हो रहा है वो बेरियम के साथ जा रहा है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ जा रहा है. तो इस तरह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट यानी आपने देखा होगा कि विस्कर्स का हम यूज करते हैं, जैसे कि हम लोग छाछ जो होती है हमारी, हम जब छाछ बनाते हैं तो उसमें सारा का सारा मक्खन ऊपर आ जाता है. तो वो मक्खन वापस से उस छाछ में कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, मिक्स नहीं होता. तो वो एक तरह से उसे हम प्रेसिपिटेट कह सकते हैं. तो इस चैप्टर में आपको बताया है, रिएक्शंस हम सीख रहे हैं. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, इट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड विच इवॉल्व्स फ्रॉम लिक्विड. ऐसा सॉलिड जो उस लिक्विड में से निकल आया है बाहर और उसके अंदर वापस से घुलने वाला नहीं है, इसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं. ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर से प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनसे हम प्रेसिपिटेशंस कहते हैं. प्रेसिपिटेट्स कहते हैं जो सॉलिड बाहर आ जाते हैं, उन्हें हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं. अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसको जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 11th में बहुत काम आने वाला है. स्टूडेंट्स, आपका जो 9th और 10th का जो केमिस्ट्री पोर्शन है वो अगर आपका उसका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा तो आपको 11th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में बेसिक्स ही सारे चलते हैं. वो कब वही रिपीट होगा जो आपने 9th-10th में सीखा है. कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस होंगे लेकिन वो भी आपके फाउंडेशन के बेस पे. तो अगर आपने 9th-10th अच्छे से नहीं किया है तो आपको 11th-12th में हमेशा दिक्कत आएगी. तो आप 9th-10th को हमेशा 9th-10th के जितने भी वीडियोज हैं और जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से रेफर कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको 11th-12th में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या होता है, नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है इसमें एड हो रहा है. अब ऑक्सीजन एड हो रहा है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एड हो रहा है और हाइड्रोजन को ये बाहर निकाल रहा है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स का भी रिमूवल हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को भी हम बाहर निकाल रहे हैं. यानी आयन्स जो होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो लूज करेगा. रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है. यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. और यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करते थे, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये जो नाम, जो भी प्रोसेस कर रहा है कोई भी एलिमेंट, अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सामने वाले का क्या कर रहा है, रिडक्शन. सामने वाले के लिए वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरे एलिमेंट के लिए या कंपाउंड के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. उसी तरह से जो खुद का रिडक्शन कर रहा है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो सामने वाला क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा. जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से कर रहा होगा, मतलब वो क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन.
तो जो रिडक्शन करता है वो सामने वाले एलिमेंट के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो इस ये दोनों चीजों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है मतलब वो सामने वाले का रिडक्शन करता है, वो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी बुक का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, कैसे हम पता करते हैं कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। जैसे कि हमेशा याद रखिए, कोई भी अगर एलिमेंटल स्टेज में है, एलिमेंटल स्टेज मतलब अकेला है, हमने देखा है कंपाउंड, जैसे कि ये देख लीजिए यहाँ पे NaCl है। NaCl कब बनेगा? सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है? -1। तो ये कंपाउंड कब बनता है? जब एक देना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन, सामने वाला इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तभी तो ये कंपाउंड बनता है। तो इसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है -1, दोनों ये क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। ये कंपाउंड अच्छे से बन गया। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में कोई भी मेटल अगर अपने, कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंटल स्टेज में है मतलब उसके साथ कोई है ही नहीं, तो ना वो इलेक्ट्रॉन्स देगा ना वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए कॉपर, इसके साथ में कोई नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? जीरो। स्टूडेंट्स आप ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए, दोनों कंफर्टेबल आपको समझ में आना चाहिए। ऑक्सीजन का यहाँ पे देख लीजिए, ऑक्सीजन भी क्या है? अकेला है, सिर्फ ऑक्सीजन है और कोई दूसरा एलिमेंट उसके साथ नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? जीरो। अब जब ये रिएक्टेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, ये दो ले रहा है तो कॉपर ऑब्वियसली दो दे रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। स्टूडेंट्स इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका ये होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है -2 होती है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपर को x सपोज कर लेंगे, x प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी, कोई चार्ज नहीं लगा हुआ इसके ऊपर तो जीरो। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वल टू किस साइड आ जाएगा? -2, तो क्या हो जाएगा? +2, यानी कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, वो क्या है? +2। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन कब होगा? ऑक्सीडेशन तब होगा जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो वो आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो जरा यहां पर देखिए, कॉपर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे +2 है, मतलब क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, जीरो से +2, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन बाय 2, दो यूनिट से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वही ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? जीरो था, जीरो से कितना हो गया? -2, यानी जीरो से नंबर लाइन पे आप ले जाओ क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कब होगा? जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो क्या हो गया? ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन हो गया इसका बाय 2, दो यूनिट से इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालते हैं? अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखा था स्टूडेंट्स, वो आपके टेक्स्ट बुक का ही है, आप उसको एक बार सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स
का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। जिस भी रिएक्शन के अंदर, जैसे कि ये एक रिएक्शन है, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, मतलब इसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक पर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कितने टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि दो और तरह की इम्पोर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है। एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट या एनर्जी जो है बाहर की तरफ निकलती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें ये एनर्जी, हीट, गैस अंदर की तरफ आती है, एब्जॉर्ब होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। देख लीजिए, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसके अंदर से हीट रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ पे निकल रही है, अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने मीथेन लिया है। मीथेन मतलब CH4। मीथेन को हम कंबशन करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में। ये भी गैस है, ये भी गैस है, कंबशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे हीट हो रहा है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये फॉर्म कर रहा है CO2 प्लस H2O। H2O भी स्टीम के फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है। ये मैंने एरो बनाया है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से रिलीज हो रहा है, निकल रहा है। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ में ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं। तो हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड के साथ में घुलता है, हमारे सेल्स जो होते हैं फिर इससे ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और बदले में हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब जो भी बचा कुचा सब्जी का जो भी इकट्ठा किया हुआ कूड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कंपोस्ट बनाने में काम में लेते हैं। जब हम कंपोस्ट बना लेते हैं एकदम से, उसको ऐसे प्लांट में, कंपोस्ट वाले प्लांट में रखकर, तो जब बहुत दिन हो जाते हैं, हम जैसे उस प्लांट को खोलते हैं तो उसमें से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, जिसका हम यूज कुकिंग पर्पस के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि प्रोडक्ट्स भी फॉर्म हो रहे हैं और एनर्जी बाहर की तरफ पे निकल रही है। दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शंस व्हिच रिक्वायर्स हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक करंट टू ब्रेक डाउन रिएक्टेंट्स एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ऐसे रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हो रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ऐसे रिएक्शन जिसको हीट की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए, ये क्या करता है, इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर बर्फ पिघल रही है तो क्या ले रही है, हीट ले रही है बाहर से, तभी वो पिघलेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इवोपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है वो भी क्या कर रहा है, हीट ले रहा है और फिर जाकर उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है और फिर क्या कर रहा है, वो इवोपोरेट हो रहा है। अब देखते हैं व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन अवर डे टू डे लाइफ। ऑक्सीडेशन से हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ता है, या हमारी लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ ऑक्सीडेशन शो करती है। तो हमारे टेक्स्ट बुक में दो मेन टॉपिक्स दे रखे हैं, एक तो कोरोशन और एक रैंसिडिटी। कोरोशन का मतलब होता है कि कोई भी धातु, मेटल, कोई भी चीज है, जैसे कि आपके घर में जब आप नए नए बर्तन लेकर आते हैं तो वो बड़े चमचमाते हैं, फिर जैसे धीरे धीरे उन बर्तनों का यूज होता है, आप कोई भी डिश वॉश लेके आ जाइए, कितना भी महंगा हो, उसको कितना भी रगड़ रगड़ के धोइए, कितना भी चमका लीजिए, लेकिन वो पहले जैसी चमक उसमें नहीं रहती। वो इसीलिए क्योंकि जब भी वो एयर, वाटर, एसिड, बेस, हम जो जैसे कि मैंने बताया दही के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, फिर हम एसिटिक एसिड यानी विनेगर यूज करते हैं, ठीक है, खटास के लिए, फिर सिट्रिक एसिड होता है फ्रूट्स के अंदर, तो ये अलग अलग तरह के एसिड्स, फिर साबुन के
के अंदर बेस होता है, तो ये सब जब एसिड, बेस, वाटर, एयर, ये सब बार बार उस बर्तन के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो उसका जो टॉप लेयर होता है, उस बर्तन का जो ऊपर सरफेस का लेयर होता है, वो उस पे से हट जाता है, जिसे हम इरोशन भी कहते हैं या फिर रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर। तो इस कारण वो पहले जैसा नहीं रहता। तो यही बताया गया करोजन में, व्हेन द इरोशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल टेक्स प्लेस ड्यू टू द मॉइस्चर, वाटर, एयर, एसिड, बेस एक्सेट्रा, ड्यू टू दिस अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकेंस द मेटल, हेंस दैट मेटल इज सेड टू बी करोडेड। और जब वो लेयर हट जाता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जैसे कि जंग लग जाना। आपने देखा होगा कि खिड़की, दरवाजे या कहीं पे भी लोहे की कोई चीज होती है, थोड़े दिनों के बाद हवा में, स्पेशली रेनी सीजन के बाद, क्या होता है कि जो मॉइस्चर, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में, वो मॉइस्चर जब बार बार उस लोहे से टकराता है तो एक ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म कर देता है। और जैसे वो ब्राउन कलर की लेयर जो होती है, वो धीरे धीरे उस मेटल को, मतलब लोहे को कमजोर कर देती है, और वो फिर क्या हो जाता है, बिल्कुल टूट जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से कोरोजन अपना काम करता है, इसको हम कोरोजन कहते हैं, और उस मेटल को कहते हैं कोरोडेड, जिसके ऊपर कोरोजन का इफेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लग जाना। स्टूडेंट्स इतना याद रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग हम सिर्फ आयरन को कहते हैं, जंग सिर्फ लोहे को लगता है, बाकी मेटल्स का सिर्फ कोरोजन होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर की जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं ड्यू टू द ऑक्साइड लेयर। फिर ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर के जितने भी बर्तन होते हैं या कॉपर की जो भी चीजें होती है, उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है ड्यू टू कोरोजन। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं। बच्चों आपको याद होगा, बचपन में आपकी साइकिल की चेन के ऊपर आप लोग ऑयल उसमें डालते थे, उसको ग्रीसिंग करवाते थे, या कहीं पे भी, जब भी हम अपने व्हीकल्स को सर्विस के लिए देते हैं, या पंखे के अंदर या दरवाजे के जो एजेस होते हैं वहाँ पे भी हम ऑयलिंग करते हैं। ऑयलिंग से क्या होता है कि कोरोजन नहीं हो पाता। ऑयल जो होता है वो एक लेयर फॉर्म कर देता है, मॉइस्चर और हवा उस लेयर को छेद कर नीचे मेटल तक डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते। ग्रीसिंग करते हैं, पेंटिंग, हम हर दिवाली पर या कभी भी हर 6 महीने में, साल में, जो भी हमारे मेटल्स की चीजें होती है उनके ऊपर क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। पेंटिंग से क्या होता है, ये जो एयर, वाटर, ये डायरेक्टली मेटल के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाते। गैल्वनाइजिंग, गैल्वनाइजेशन जो होता है, बड़े बड़े जहाजों में क्या होता है, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, हैवी शिप्स होते हैं, अभी समुद्र में रहते हैं बहुत टाइम तक, समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, तो वहां पे तो कोरोजन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसे में हम ऐसे शिप्स के ऊपर गैल्वनाइजिंग, मतलब उनके ऊपर जिंक मेटल की कोटिंग कर देते हैं। जिंक मेटल की कोटिंग जो होती है, जिंक मेटल की कोटिंग को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं, जिससे क्या होता है, वो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं उसमें कोरोजन का इफेक्ट जल्दी नहीं हो पाता। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है खाने पीने की चीजों का सड़ जाना। स्टूडेंट्स जब भी हमारे घर में दोपहर का खाना रखा हुआ है या रात का खाना रखा हुआ है, आपकी मम्मी आपको कहती होंगी कि चीजों को फ्रीज में रख दो। फ्रीज में इसीलिए रख दो क्योंकि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जो मैंने Part-1 अपने लेक्चर में बताया था कि टेम्परेचर का बढ़ना या घटने के कारण ही केमिकल रिएक्शन होता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका खाना जो है वो सड़ जाएगा। अब क्यों सड़ जाएगा, क्योंकि एयर के कॉन्टैक्ट में जब भी हमारा कोई भी फूड आता है उसके कॉन्टैक्ट में, तो वो क्या होता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होने लगता है, और ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा फूड क्या होता है, सड़ जाता है। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils when exposed to air is called rancidity. It is responsible for the spoilage of food. ये जिम्मेदार है आपके food को खराब करने के लिए। It causes bad smell and bad taste in the food. इसलिए हमारा खाना जो है वो सड़ जाता है बाहर रखे रखे। रेंसिडिटी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन का सपोर्टर ना हो, उस वैसी चीजों को हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वैक्यूम पैकिंग, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां पे ऑक्सीजन या एयर
बिल्कुल भी ना हो। हम जो भी पैकेट्स फूड पैकेट्स खाते हैं, जब भी हम उसे खोलते हैं, हम सोचते हैं इसमें कितनी हवा भरी हुई है। स्टूडेंट्स, वो हवा नहीं होती, वो वैक्यूम होती है। वैक्यूम जो बिल्कुल कहीं से भी उसके अंदर हवा को एंटर ना होने दे। पैकिंग विथ नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस की पैकिंग होती है स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है इजीली। तो हम लोग नाइट्रोजन की गैस से हमारे जो भी चिप्स फूड पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस का पैकिंग करते हैं बाय रेफ्रिजरेटिंग, यानी कि हम उस चीजों को, खाने की चीजों को फ्रिज में रख सकते हैं। और फ्रिज में कूलिंग, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो फिर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और रिएक्शन नहीं होगा तो वो खाना सड़ेगा नहीं। तो स्टूडेंट्स, आप ये सारे के सारे नोट्स को ढंग से कॉपी कर लीजिए। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।